शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। I said, switch off the cameras. Thank you, bro. As a minister of coal and mines, I assure you that our International Diamond Trading Center is going to be the nerve center for the whole world. बोला ना तो नहीं बचेगा मिनिस्टर। वेल डन मार्कोस, वेल डन। लेकिन तुम अंधाधुन गोलियां बरसा रहे थे, एक आधी अगर मुझे लग जाती तो। जब तक मार्कोस किसी को मारना नहीं चाहता वो मरता नहीं, और जब मारना चाहता तो वो बचता नहीं। Hey, my camera! Oy! मिनिस्टर साहब के यहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। कोका। फिर भी तेरा ये साला डायरेक्शन का शौक कम नहीं होगा। अरे बंद कर। अरे टीसी। सॉरी बॉस, जब से बिजली मेरे ऊपर गिरी है करंट अंदर ही रह गया है, लेकिन मैं भूल जाता हूँ, ध्यान रखूंगा। सॉरी। व्हाट नेक्स्ट? देखो मार्कोस, जब तक हाइस की न्यूज ठंडी नहीं पड़ जाती, प्ले कूल,
डील हो जाने के बाद तुम्हें तुम्हारा शेयर मिल जाएगा। क्या जगह है ये यश, क्या हवा है। पता नहीं यार, लोग अपनी सारी जिंदगी शहर की भागदौड़ में कैसे बिताते हैं। हाँ राज, कितना सुकून है यहाँ पर। टेंशन नहीं, प्रॉब्लम नहीं। एक काम करते हैं, यहाँ अंगूर के बाग ले लेते हैं, वाइन बनाते हैं, खुद भी पीते हैं और लोगों को भी पिलाते हैं। बचाओ, बचाओ, बचाओ! इसका बच्चा मेरी डिक्की में फंस गया, उसको बाहर निकालो। लेकिन उसका बच्चा तुम्हारी डिक्की में फंसा कैसे, वो मैं बाद में बता दो, पहले बचाओ मुझे। ओके आते हैं। नहीं यार, हम यहाँ सोशल वर्क करने थोड़ी आए। देख, बच्चा तो बच्चा ही होता है ना, इंसान का हो या बंदर का। फेस पे स्माइल ला, उन्हें ये लगना चाहिए कि हम उनके बच्चे को बचाने आए हैं। जल्दी आओ। देखो देखो, स्माइल दे रहे, वो बच्चा में आए। मदद करने आए भाई। थैंक यू भाई साहब, आपने मेरी जान बचाई। हमने तुम्हारी नहीं, उस गोरिल्ले के बच्चे की जान बचाई। शर्म नहीं आती, जानवरों के बच्चे चुराते हो। अरे नहीं नहीं, मैंने बच्चा चुराया नहीं है, डिक्की में केले पड़े थे, वो देखकर बच्चा अंदर घुस गया और डिक्की बंद हो गई, तो आप लोगों की तरह ये भी समझने लगे कि मैं। आप लोग टूरिस्ट है? यहाँ आसपास कोई होटल है, मोटेल है, कोई रहने की जगह है क्या? यहाँ पर दूर दूर तक कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मेरा गाँव है, वह रात को मेरे घर आप रुक सकते हैं। ओह, बहुत लेट हो गया। दैट्स गुड। सावित्री, इनको ठीक से नाश्ता करा देना। ओके चलो मैं निकलता हूँ बहुत जल्दी में। ओके ओके, बाय डार्लिंग। अरे संभाल के। अरे भाभी जी, आपकी हिंदी बड़ी अच्छी है। इनके साथ रह के सारे गांव ने सीख ली, पर इनको अभी तक इंग्लिश नहीं आई। मेरे बच्चों से मिलो, ये वरुण है, उन पे गए। ये रोजी है, मुझ पे गए। और ये जैक्सन है। ये जैक्सन किस पे गया है? मैडम। यस जी। थैंक्स। आप लोग नाश्ता कीजिए, फंक्शन शुरू हो गए, माफ कीजिए। भाई और बहनों, आप सभी ने आपकी मेहनत का पैसा मेरे कहने पर इस बैंक में रखकर जो मुझ पर भरोसा रखा है, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। यार तू सामान पैक कर, मैं टैक्सी ले गया था। आपकी बरसों की कमाई इस बैंक के ताले में बंद है और इस बैंक की चाबी मैं हूं। ने फैसला किया था ना, कोई गलत काम नहीं करेंगे, सुधरने निकले थे ना हम। अरे ये दुनिया सुधरने दे तब ना, अंदर पैसा खुला छोड़कर सिक्योरिटी वाला साला पेप्सी पी रहा था, मैं क्या करता यार। चाकू छुरिया तेज करा लो। Please don't kill me. Move fast, otherwise I'll shoot you. Hey Raj, jaldi! Bye bye. Nikal gaya hu main. Abhi pakdo. Arey bhagne se. Catch them. Arey chal. Come on, don't move. Yash, aaj tune apne bade game mein phasa diya mere ko. अरे कब तक 100-100 रुपए के लिए स्टिंग ऑपरेशन करके ब्लैकमेल करता रहेगा लोगों को, छोटे चोर। अरे छोटा चोर ठीक हूँ मैं, तुम जैसा क्रिमिनल नहीं हूँ समझा। 15 दिन के अंदर जाता हूँ, आ जाता हूँ, तू जब जाएगा ना अंदर 15 साल तक वापस नहीं आएगा। इसीलिए तो बचपन से लेके आज तक मैंने तेरे साथ पार्टनरशिप नहीं की।
अरे क्या कर रहा तू? अरे पागल हो गए क्या? अबे इनको रोकने का यही तरीका है भाई। पागल हो गए? अबे साले छोड़ियो, अपने ही पैसे लूट रहे हो। हमने अपने डंडे इसके हाथों पैरों पर तोड़ डाले मगर ये नहीं टूटा। जबान नहीं खोली इसने। केलेन! आराम करो साले कोड़ियो। तुम लोगों को ये लगता है कि गांव को मैंने बर्बाद किया है? तूने क्या कहा था पुलिस से कि वो लुटेरे दोस्त थे मेरे? मैंने शहर से बुलाया उनको, वो दोस्त थे मेरे। और तू क्या बोल रहा था कि मैं गांव का एक एक घर नहीं लूट सकता इसलिए बैंक खोलकर लूट लिया? पर तुम लोग झंडूलाल, मैं तो अपनी ड्यूटी निभा रहा था। ड्यूटी निभा रहा था तू? ब्लॉक अनलॉक कर लो। ये लो ये ले, वो खाली हो गया था। अब मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं, या तो तुम में से दो चार का मर्डर करके मैं फिर से अंदर चला जाऊं, या फिर उन दोनों कमीनों को डरबन से पकड़ कर वापस यहां लाऊं। डरबन? हां भाई, वो डरबन के ही है। वो जो बैग मेरे घर में छोड़ गए थे उसमें से डरबन की ट्रेन का रिटर्न टिकट मिला है। वो दोनों भाग गया, ये भी भाग जाएगा? अरे मेरा सब कुछ यहीं पर है, मेरे बीवी बच्चे, मेरा घर बार, अब सब लोग। मैं वापस यहाँ नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा मैं क्या करूँ बोलो? डरबन जाओ, डरबन जाओ, डरबन जाओ। Oh!
Get ready for action. I'm ready, sir. लेकिन सर, बैकअप तो अभी तक आई नहीं. हम बैकअप के लिए वेट नहीं कर सकते, वरना डायमंड थी मार्कस हमारे हाथ से निकल जाएगा. Nobody moves! Super Cop Arjun Singh! Oh, God. Out! Out, you girls! International Criminal Marcus, Durban में आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि यहां की पुलिस में मैं हूं. Everybody! Hands up! Hey. क्रिमिनल अगर आसानी से अरेस्ट हो जाए तो मैं इनकाउंटर नहीं करता. भलाई तुम्हारी इसी में है कि तुम अपनी अपनी गने फेंक दो, नहीं तो मैं समंदर तुम्हारे खून से लाल कर दूंगा. दरवाजा खोलो. यार लकी मैन अर्जुन सिंह, तेरी मौत मेरे हाथों ही लिखी. पापा, पापा, नानू, वो ठीक तो है ना? बच गया. हाँ मैम, 14 गोलियों में से 12 गोलियां डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी निकाल दी है. गोल और वो बाकी दो? वो अगर निकालने जाते तो उसकी जान को खतरा हो सकता था. हाँ, मतलब दोनों पेट में है. लेकिन नो प्रॉब्लम. क्यों नानू, वो क्या चॉकलेट वाली गोलियां है जो बाद में घुल जाएंगी? टुक टुक. नहीं बेटा, घुलेंगी नहीं, लेकिन वो गोलियां जब उनके पेट में ट्रैवल करेंगी ना तो उनको बहुत गुदगुदी होगी. गुदगुदी? हाँ, गुदगुदी, जिसकी वजह से वो कितनी भी टेंशन में क्यों ना हो अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे. ओह गॉड. कमिश्नर साहब, आपसे एक जरूरी बात करनी है. ऑपरेशन के दौरान बेहोशी के हालत में भी अर्जुन बार बार यही कह रहा था कि मेरी बीवी को पता नहीं चलना चाहिए वरना वो मुझे गोली मार देगी. दरअसल जो मेरी बेटी है ना काजल, उसको स्प्लिट पर्सनालिटी की प्रॉब्लम है. लेकिन इसके पीछे तो कोई बहुत बड़ी वजह होनी चाहिए. पीछे नहीं डॉक्टर साहब, वजह अंदर है. वो गधा अर्जुन, वो उसको हीरो समझती थी, लेकिन शादी के बाद उसको पता चला वो हीरो नहीं, एक नंबर का जीरो है. उस बेचारी के सारे सपने टूट गए. वो अंदर ही अंदर अपनी फ्रस्ट्रेशन को दिल में दबाकर घुटती रही, जिसकी वजह से उसको ये बीमारी हो गई. आज हालत ये है डॉक्टर साहब कि 24 घंटे में कम से कम एक मर्तबा काजल को 10 मिनट का दौरा हर रोज पड़ता है, और इस दौरे के अंदर वो अर्जुन को जान से मार देना चाहते हैं. ओह यस, मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है अब, पर मेरा स्टाफ इधर ही है. एक्सक्यूज मी सर, टाइम फॉर जूस. संतरे का? हमारे खानदान में आज तक किसी ने संतरे का जूस नहीं पिया. हम सिर्फ अनार का जूस पीते हैं. अनार का? नो प्रॉब्लम सर. अनार का जूस पिएगा तू? तेरे खानदान में किसी ने अनार देखा भी है? हंसी आ रही है? जोक कर रही हूँ ना? मैं हंस नहीं रहा हूँ काजल, मेरा मतलब काम नहीं, वो मेरे पेट के अंदर गुदगुदी हो रही है. गुदगुदी? अच्छा, ठहर जा, तेरी गुदगुदी तो मैं निकालती हूँ, वरना तू यूं ही पेट में गोलियां लेकर मेरी काजल के सामने हंसता रहेगा और वो बेचारी रोती रहेगी. गोलियां मेरे पेट के अंदर? इतनी सारी गोलियां खाकर अब तक जिंदा कैसे है तू कमीने? हाँ, अरे मर गया होता तो कम से कम काजल तो बच गई होती ना. मार्कस उसको पकड़ने अकेले क्यों गया? क्यों गया था? अरे पुलिस वाला होकर एक क्रिमिनल से पिट के आगे शर्म नहीं आई तुझे? देखो, मैं तो कहता हूँ काजल पुरानी बातों पर मिट्टी डालो. मेरी हड्डी रुक गई, बचा. अरे बॉस, बॉस आगे बैठे. अरे
बाल बाल बच गए। तेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, मुझे मरने का कोई डर नहीं, जी चाहता है इस खिड़की से छलांग लगा दूं। लेकिन तुम मरना चाहते थे। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें माँ का प्यार तो नहीं दे सकता, लेकिन नई माँ तो लाकर दे सकता हूँ ना। अरे बचाओ, हिलो मत, कोई बचाओ। डॉक्टर, देखिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तुम ये सब क्या, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैडम एक तूफान आया था सर, लकी फिर से बच गए। सर, और तुम ये सब लेकर क्या बैठे हो? कौन लाया इसे? फेंको इसे। छी, ए कौन है? अरे राम राम, शहर में घुसते ही मौत की माला, लगता है ये पूरा शहर उन कमीनों का दोस्त है। चीत, आजा पीछे यार, पीछे। सर, अरे यश, गेट वेल सून सर। थैंक यू यश, बहुत बहुत मुबारक हो, आप बच गए। थैंक यू। नहीं चाहिए मुझे तेरे फूल। क्या सर, इसके फूल, फूल मेरे फूल, कांटे। शट अप यू चीटर, चोर, ब्लैकमेलर। इतने ग्रेट आदमी के साथ रहता है तू, कुछ सोशल वर्क कर, कुछ बड़ा बड़ा काम कर, इनके जैसा बन। फिर तो जैसा हूं वैसा ठीक हूं मैं। एक दिन तू मरेगा मेरे हाथ से यश, इससे कहो मेरी नजरों से दूर हो जा। सर, जा रहा हूं, जा रहा हूं। इसे देखता हूं तो मुझे मुझे कुछ होता है सर, मुझे कुछ होता है। यश, कंट्रोल कीजिए सर, आप हिलेंगे ना तो आपके टाके खुल जाएंगे सर। कंट्रोल सर, कंट्रोल सर, कंट्रोल। हाय राज। ए कमीना सारा। ओ हाय डार्लिंग, हाउ आर यू? हु इज दिस गास्टर्ड? डायरेक्टर साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। हाय हाय राज, तुम मतलब आप यहाँ? मेरा इंस्टॉलमेंट नहीं पहुंचा इस बार। वो भाई की एंगेजमेंट थी ना, थोड़ा सा बिजी हो गया था इसलिए वो। मुझे लगा आप भूल गए। तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना डार्लिंग? ऑफ कोर्स, मेरी अगली की हीरोइन तुम ही हो। नहीं, कांग्रेट्स। थैंक यू। बार बार स्क्रीन टेस्ट क्यों दिखा रहे हो? मैं कल मिलता हूँ आपसे। कल 10 मिनट से ज्यादा मैं पार्टी में बोर हो जाता हूँ, बाद में मिल लेना। हाय, क्या बात है? सारी सहेलियां ढूंढ रही है और आप यहाँ? वो जो लड़की है ना जिसकी सगाई हो रही है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं उसकी दुश्मन थोड़ी ना हूँ कि वहाँ जाके बैठ जाऊँ। दुश्मन मतलब? मैं समझा नहीं। ओह गॉड, अगर मैं वहाँ जाके बैठ गई तो वो लड़का मेरी सहेली की जगह मुझे नहीं पसंद करेगा। और आपकी सहेली भी काफी खूबसूरत है, मैंने देखा उसको। अच्छा तुम एक बात बताओ, टीवी प्लाज्मा में से क्या चूज करोगे? प्लाज्मा इन जगह फरारी में से? फरारी, दैट इज द डिफरेंस। वो टीवी है, मैं प्लाज्मा, वो इंडिका है, मैं फरारी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत? लगता है मतलब, एक मिनट तो मुझे ध्यान से देखो। तुम खूबसूरत हो लेकिन उतना नहीं जितना तुम समझती हो। सनसेट बीच पे मेरा एक शेक है, मैं रोज वही मिलती हूँ। जी आपको तो मैं इतनी खूबसूरत नहीं लगी, तो आप वहाँ आओगे भी नहीं? हाँ देखते हैं। मुझे तो लगता है ये लड़की आधी पागल है। अरे आधी नहीं, पूरी पागल है, लेकिन मुझे भी पागल कर गई। ये आधी रात को कौन शोर मचा रहा है यार? कोई नया किरायेदार है साला, लाइट की वजह से दिख नहीं रहा। हेलो माय फ्रेंड, ये क्या शोर मचा रखा है? अरे लकड़ी कट रही है। ये लकड़ी काटने का टाइम है क्या? अरे तो ठंड अब पड़ रही है तो लकड़ी क्या सुबह में काटू मैं? दिन में मैं धूप में कांप रहा था, अगर रात को मैं ठंड के मारे आकर के मर गया तो शमशान कुंड तुम्हारा बाप ले जाएगा। अबे पड़ोसी का कुछ ख्याल रखेगा कि नहीं? अरे पड़ोसियों ने कौन सा ख्याल किया है मेरा, साले घर का हीटर बिगड़ गया, किसी ने लाके दिया? सूखी लकड़ी नहीं दी कंजूसों ने मुझे, चलो आप दे दो,
मैं लकड़ी काटना बंद कर दो, आप दे दो। हमारे घर का हीटर चल रहा है, हमारे पास कोई लकड़ी वकड़ी नहीं है। घर में कुर्सी टेबल सोफा डाइनिंग टेबल कुछ तो होगा, लाओ वो दे दो, उसी से काम चला लूंगा मैं। लाओ देखा, जरा सा फर्नीचर क्या मांग लिया, चुप हो गए। ए, बहुत हो गया तेरा, नीचे आओ क्या? नहीं, इतनी रात गए हम अजनबियों को घर नहीं बुलाते, जाओ। ये आदमी मुझे गड़बड़ लगता है, आगे जाके तकलीफ दे सकते हैं, जाके ठीक करूं? अरे चलना छोड़ना यार, फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, उसकी भी कोई प्रॉब्लम होगी। अच्छा एक बात पता, ये लड़की वाकई इतनी खूबसूरत है क्या? है तो सही। लेकिन मेरे से एक गलती होगी, मैंने उसकी तारीफ बिल्कुल नहीं की। करेक्ट किया तूने, जितना नेगेटिव रहेगा उतनी वो लड़की पटेगी। एक बात और, उसे ये लगना चाहिए कि तेरे ऊपर हजारों लड़कियां मरती हैं। आई न्यू इट। क्या है ये? है क्या ये? मेरा दिल है यार। तुम लड़कियों को दिल विल प्यार वार के अलावा और कुछ सोचता नहीं है क्या? समझा अपने फ्रेंड्स को? क्या समझता है अपने आप को? कुछ तो है इसमें, तभी तो शहर की 150 लड़कियां मरती है इसपे। Hey, excuse me. Thank God, इस महीने का इंस्टॉलमेंट नहीं देना पड़ेगा। Oh God, अभी तुम भी हिम्मत कहना कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, प्लीज। मुझे तुमसे? No way. Oh God is great. कम से कम एक लड़की तो मिली जिसकी सोच प्यार व्यार से ऊपर है। उसमें बुराई क्या है? अरे अच्छा ही क्या है यार, खूबसूरत समझती है अपने आप को। यार खूबसूरती ऐसी होनी चाहिए। मेरे जैसी? नहीं, तुम में भी कमियां हैं। जैसे? जैसे ये आपका जो चेहरा है ना, ऊपर से एकदम फर्स्ट क्लास शुरू हो जाता है, कि नीचे नीचे आते ही गड़बड़ शुरू हो जाती है ना। नाक भी थोड़ा शार्प हो सकता है। एक्चुअली यू नो, खूबसूरती जो है ना वो सिर्फ चेहरे पे नहीं होती। नहीं नहीं नहीं, चेहरे में ही होती है। आपका चेहरा देखिए, कितने हैंडसम लग रहे हैं आप। आई नो, वेरी हैंडसम। बाय। चंदूला, हेलो 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 हेलो। देखिए भाई साहब, जो कुछ भी हुआ ना उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। हाथ तो तुम्हारा ही है, तो पूरा मुंह काला हो गया। नहीं नहीं नहीं, मुंह तो काला मेरे दोस्त ने किया। दोस्त? वो दो कमीने भी दोस्त बन के आए थे और मेरा मुंह काला करके गए पूरे गांव के सामने। उस दिन से मैं जब भी किसी का काला मुंह देखता हूँ, उस काले मुंह में मुझे अपना मुंह नजर आता है। ये देखो, देखो। नहीं 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 नहीं, मैं साफ करता हूँ। क्यों भैया, क्यों? मेरा मुंह है, काला है, मुझे अच्छा लगता है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? नहीं मुझे प्रॉब्लम है, जब से मेरा मुंह काला हुआ है तब से आई हेट ब्लैक फेसेस। यू हेट ब्लैक? आई हेट ब्लैक। He hates black. What's up, boy? He hates black. What? You hate black? He hates black. Obama is the president of America, and you still hate us? मैंने कहा कि black face hate, not full body. He hates black. He hates black. So bad. Very bad. Really bad. Excuse me. ये भीड़ क्यों जमा है? कुछ कालों ने अपने किसी इंडियन को मारा है। अच्छा, ये तो ऑस्ट्रेलिया में होता है, यहाँ पे भी शुरू हो गया। कमाल है यार। अरे 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 अरे, लगता है बहुत पड़ी बेचारे को। भाई साहब उठिए। अरे उठिए ना भाई साहब। पहचान लिया? फरिश्ते को कौन नहीं पहचानता, एक आप ही है जो मदद करने के लिए आ गया है। दिखाई नहीं दे रहा है क्या? वो धुंधला दिखाई दे रहा है, बहुत मारा है सालों ने। कितनी उंगलियां हैं? पहले पैर में से मोजे तो निकालिए, क्यों मजाक कर रहे? चलो अच्छा है, आ जाओ तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ झंडू लाल। एक मिनट, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? न्यूज़पेपर में न्यूज आया ना आपका, गाँव में बैंक लूटा है ना आपने। नहीं नहीं, यहाँ पे सब गया। क्या हो रहा है? What's happening? What is this crowd for? Clear, clear. अरे आप, come on, move. अरे यश, तुम यहाँ? सर, सोशल वर्क कैसे चल रहा है? ठीक है सर। और हाँ, वो तुम्हारा दोस्त
वो साला चोर चीटर ब्लैकमेलर। देखो यश, तुम कितने शरीफ आदमी हो, उस ब्लैकमेलर की संगत क्यों रखते हो? छोड़ो उसे। सर, आप अपने कुत्ते को छोड़ सकते हैं? नहीं नहीं, नो वे। फिर वो तो इंसान का बच्चा है सर, बचपन से पाला है मैंने उसे। सुधार रहा हूँ सर, सुधर जाएगा। ए भाई, वो दुनिया को बाद में सुधारना, पहले मेरी हालत सुधारो। मुझे चलो चलो सर, मैं उस तरफ जा रहा हूँ, छोड़ दूंगा। ओके बाय। ओके सर, थैंक यू। अरे यश, तू कहाँ था यार? तुझे पता है झंडूलाल शहर में आ गया? तुझे भी मिला था क्या? तुझे मतलब तुझे भी? तेरा ये बैंक का जो चक्कर है हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। इस पड़ोसी की तो। अबे तेरा लहंगा हमारे घर में क्यों फेंक रहा है? लहंगा? मेरी लुंगी तुमको लहंगा नजर आती है? अरे सुखा रहा था, हवा चली उड़ गई। ए भाई साहब, अपने गीले कपड़े अंदर सुखाओ ना। अगर मेरे गीले कपड़ों से इतनी तकलीफ हो रही है भाई साहब, तो भेज देता हूँ तुम्हारे घर पे। ड्राई करके, इस्त्री करके, हैंगर पे लटका के भेज दो। हमको क्या लॉन्ड्री वाले समझ रखा है क्या? क्या करे क्या इसका यार? फाड़ दे यार। फाड़ दो, फाड़ दो। नहीं नहीं, शिट, मेरी हनीमून की लुंगी थी। साले कोड़ियो, बहुत परेशान किया है शेर ने मुझे। अरे बाप रे, लग गया। आज ये जाएगा, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। अरे अंदर कहाँ छुप के बैठ गया? अरे बाहर निकल। अरे छुपा नहीं हूँ मैं, गन ढूंढ रहा हूँ, गन। दो लोगों का मर्डर करने आया हूँ शहर में, चार कहोगे नो प्रॉब्लम। अरे आजा राज, छुप गए। मेरा दोस्त बोल रहा है इसलिए छोड़ रहा हूँ मैं तेरे को। अबे दोस्त की धमकी किसको देता है रे? आओ दोनों को देख लूंगा। आओ। अरे साला जो बोला वो करता। आजा भाई, हम लोग आ गए, देख ले। क्या गन नहीं मिल रही है क्या? गन तो मिल गई है मुझे, लेकिन अरे मंगल है यार, और मैं मंगल को मर्डर नहीं करता हूँ। क्या तकदीर है तुम्हारी, बच गए साले। अरे चलना यार, चल। यार एक तो झंडू आ गया शहर में, ऊपर से ये। अरे टेंशन क्यों लेता यार, इतना बड़ा शहर है, कहाँ ढूंढेगा हमें? दो चार दिन धक्के खाएगा फिर चला जाएगा। चलना, छोड़ना यार। आ आने की क्या जरूरत थी? आना पड़ा, ना तो तुम मिलते हो और ना ही फोन रिसीव करते हो। सौ काम होते हैं मुझे। अच्छा, सांस लेने की फुर्सत नहीं, खेलने की फुर्सत है। किससे बात कर रहे हो तुम? माइंड योर लैंग्वेज। डोंट शाउट एट मार्कोस। ए मार्कोस, बरसों से तुम हमारे लिए काम कर रहे हो, आज इतने इंपेशेंट क्यों हो? करोड़ों के हीरे हैं, किसी की भी नियत बदल सकती है। और हीरे दिए हुए भी तो कितना टाइम हो गया। मार्कोस, इतनी बड़ी डील है, टाइम तो लगेगा ना। दो दिन, सिर्फ दो दिन देता हूं तुझे। तीसरा दिन तेरा चौथा होगा। ये आदमी आपके लिए सरदर्द बन सकता है। और तुम जानते हो कि सर का दर्द मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बम, 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 बम। तुम्हारा कसीनो हमको हर हाल में चाहिए। मार्कस, रिविएरा इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कैसीनो इन ऑल ऑफ वेगास। दो दिन में तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। टू डेज। लगता है पिक्चर शुरू हो गया सर। साउंड क्वालिटी सुन नायडू, ऐसा लगता है जैसे बाहर गोलियां चल रही हैं। ओह गॉड, ये तो सचमुच गोलियां चल रही हैं। इस बार भी बैकअप नहीं है सर। डोंट वरी नायडू, डरो भी नहीं। सुपरमैन नायडू,
बुलेट लगे तो मैं मर जाओगे सर। प्लीज आप खुद को कवर कीजिए सर। मैं तुझे कवर करूंगा तो मुझे कौन कवर करेगा? सौरभ को तो और तो बुलेट काटने की सर। दो बुलेट ऑलरेडी अंदर है, एक दो और चले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है सर? मार्कस, सर, 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 आपकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई शेर गीदड़ पे पैर रख के खड़ा हुआ है। ये क्या है यश? अर्जुन ने मार्कस को पकड़ लिया? कमाल है यार, ये बात तो मेरी समझ में भी नहीं आई। हाँ सर, मैं आता हूँ कल और मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरा काम तमाम कर देंगे। भाई साहब, लाइट चली गई है और अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है। मेरा घर पास में ही है, मुझे छोड़ देंगे? कल सुबह बहुत जरूरी काम से निकलना है। आइए आइए। थैंक यू अंकल। एक बात बताइए, ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो होने से पहले ही आप नाचते फिर रहे हैं? कल दो लोग मरने वाले हैं भाई। दो लोग मरने वाले हैं और आप खुशियां मना रहे हो? क्यों ना मनाओ? अरे साले कमीने थे दोनों, मेरे गांव आकर मेरा ही बैंक लूट कर चले गए। वही है वही। क्या क्या? नहीं क्या? मेरा मतलब अंकल, आपको कैसे पता चला कि वो दोनों कमीने इसी शहर के हैं? अरे वो बेवकूफ साले अपना बैग छोड़ गए थे मेरे घर में। बैग वही छोड़ दिया? और कल तो दोनों मेरे हाथ लग जाएंगे। बस वो कैसे? फोटो थी ना बैग के अंदर। फोटो भी था बैग में? नहीं यार। नहीं ये ठीक कर रहा है, फोटो बैग में नहीं थी, फोटो तो मेरी आंखों में है। घायल नागिन की तरफ बंद कर लिया है मैंने। सोचता हूँ किसी आर्टिस्ट को पकड़कर उनका स्केच बनवा लूं, लेकिन अर्जुन साहब ने कहा कि कौन अर्जुन साहब? अरे पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन साहब, बड़े नामी इंस्पेक्टर हैं। उन्होंने कहा कि घबराओ मत, घबराओ मत, पुलिस रिकॉर्ड में शहर के सारे क्रिमिनल्स की फोटो है। घर आ जाओ, मैं दिखाता हूँ। मेरी फोटो जरूर होगी। रुको 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 बेटा, लगता है मेरा घर आ गया। करेक्ट करेक्ट। इस घर में आप रहते हैं? हुँ? और वो जो घर दिख रहा है ना, उसमें दो और कमीने रहते हैं। ए बाहर निकलो साले, मेरी लुंगी को लहंगा कहते हो? कल वो इंस्पेक्टर साहब को मिलके तुम्हारी पैंट का मैं स्कर्ट बनाने वाला हूँ। एक बार वो दोनों कमीने मेरे हाथ आ गए ना, इनकी तो मैं खटिया खड़ी करने वाला हूँ। थैंक यू। गुड नाइट। जिस दिन इसने खटिया खड़ी कर दी ना, खड़े खड़े सोना पड़ेगा हमको। मैडम ये फूल कहाँ फेंकूं? फेंकूं? यहाँ रख दो। What's wrong, नायडू? मेरी फोटो नहीं छपी। जरूर छपेगी, तुम भी बहादुरी का कोई बड़ा काम करो। अरे तो साहब ने ऐसा क्या किया था? हम दोनों साथ में मार्कोस पर गिरे थे। गिरे थे मतलब? मतलब मार्कोस बेहोश पड़ा था जब साहब ने उसके ऊपर टांग रख दिया और फोटो खिंचवाना शुरू कर दिया था। मैं भी था साथ में, लेकिन मुझे वहां से धकेल दिया। ये देखो, ये आधा कटा हुआ सर मेरा है, बहादुरी का काम किया। झंडू लाल जी, आप सही जगह आए, आपका काम हो जाएगा। क्या हुआ? उन दोनों कमीनों को याद करते हुए उनका चेहरा आंखों के सामने आ गया। ऐसा लगा जैसे अभी अभी यहाँ से गए। कहाँ से? यहाँ से, आपके पीछे से। अरे यार, यहाँ चोरी करके क्या फायदा यार? अरे तभी तो झंडूलाल की नजर में अर्जुन हीरो से जीरो बनेगा। मार्कोस को पकड़ने का बहुत बड़ा इनाम मिला ना इसे। माल इसी तिजोरी में है। मैं मानता हूँ कि मार्कोस को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, और मेरी इस बहादुरी के लिए सरकार ने जो मुझे इनाम दिया है। नमस्कार भाभी जी, आप बड़ी नसीब वाली कि आपको ऐसा पति मिला। इट वाज माय ड्यूटी सर। ये पति नहीं है तो परमेश्वर है। ये देखिए, बब्बर शेर है, बब्बर शेर। भाभी जी, भाभी के देवर, इधर देख किस एंगल से तुझे ये बब्बर शेर नजर आता है। जल्दी जल्दी
जीप टुक टुक को ऊपर 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 बचाओ बचाओ यहाँ तो जगह एक ही सीटे आ जाओ जाओ ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम ऐसा बाहर हो क्या रहा है भाभी जी मैं देवी आ गई है कौन श्रीदेवी मौत की देवी पापा क्वाइट को कुरिया हो रही लगता है वो इस कमरे में आ गई है हार देखो यार किसको तुमको कितने धोखे देगा काजल को हाँ वो सुबह से तेरे लिए खीर बना रही है और तू खीर खा गरम है गरम है गरम खा खा लो पापा खा लो खा लो नहीं तो हम सबको खानी पड़ेगी खाओ पापा शेरा खाओ अरे ये आप कैसे खा रहे हैं वो भी इतना गरम गरम ठीक हो गई मैं ठीक से खिलाती हूँ ना मैम मैम दिस बीन अ रॉबरी क्या व्हाट रॉबरी पापा जी घर में चोरी हो गई मार्कस वाला ही नाम गया पुलिस को कंप्लेन करो पुलिस हाँ हाँ पुलिस को अरे तुम पुलिस इंस्पेक्टर हो और मैं कमिश्नर हमारे खानदान की बदनामी होगी भाई साहब सबसे ज्यादा मदद की जरूरत तो आपको है कम से कम कुत्ता तो ऐसा पालिए जो चोर के आने पर भौंके जाने पर नहीं और साथ में दो चार बॉडीगार्ड रखिए जो आपको आपकी बीवी से बचा सके हाँ। और ये अखबार में जो झूठ मूठ की तस्वीरें छपवाते हैं वो बंद कर दीजिए लोग बिना मतलब के सड़क पर नाचते फिरते हैं बब्बर शेर अरे तू तो आधा शेर या पाव शेर भी नहीं है पोस्ट ऑफिस के लायक नहीं है पुलिस में भर्ती हो गया जब जब ये काजल से काम नहीं होती है बड़ी बेइज्जती होती है अगर काजल से प्यार नहीं होता ना तो मैं इस कामनी का गला दबा देता संजना क्या बात है इतना हंस क्यों रही है मिस यूनिवर्स का फोटो छपा है देखो देखो किस किस को बना देते हैं मिस यूनिवर्स प्लीज गाइस आर कमिंग टू साइड कम हर्री अप हट कम ऑन ओ गॉड ओ गॉड अरे नहीं जाओ फ्रेंड जाओ मैं नहीं स्टॉप क्यों कर रही है तुम सब लड़के मिलकर मासूस आए इसकी वजह से हम सब लड़कियां ऐसे इतना प्यार करती है और आज पता चला कि वो किसी संजना से प्यार करता है संजना कहते हैं she's the most beautiful woman in the world अभी मुझे देखो मुझमें क्या कमी है मिस डबल हूँ मैं कैसे बन गई क्या I mean बुद्धू कैसे बन गई ऐसा क्या है इसमें अरे गौर से देखिएगा इसमें क्या नहीं है सामने आता है तो दिल धक धक करने लगता है लेकिन अगर ये संजना से प्यार करता है तो उसे बताया क्यों नहीं ये बताएगा अरे इसकी ईगो इसका एरोगेंस जानती हो वो मर भी जाएगा लेकिन आई लव यू नहीं बोलेगा बोलना तो संजना को ही पड़ेगा सर मैं उनमें से नहीं हूँ मैं बहुत शरीफ घर की लड़की हूँ अच्छा घर कहाँ इस साले को अगर असलियत का पता चल गया तो सारी रात लॉकअप में कट जाएगी हाँ शरीफ घर की और घर याद नहीं आ रहा अच्छा ये बताओ बड़े घर चलना या मेरे घर चलना सर डोंट वरी मेरी वाइफ मैके गई है ऐसे मत देख नायडू तुम जानते हो मैं शरीफ आदमी हूँ दरअसल शादी से पहले जो मेरी गर्लफ्रेंड थी ना हूबहू सेम टू सेम बिल्कुल इसके जैसी थी कम बेबी कम साहब की गर्लफ्रेंड इतनी मर्दाना थी संभाल के कहीं विघ्न निकल जाए क्या
मेरे कहने का मतलब है कि कहीं मेरा दम ना निकल जाए। हाय हाय, यही अदाएं तो साली बीवियों में नहीं होती। आओ। अरे इतनी खूबसूरत बीवी और प्यारी सी बच्ची है तुम्हारी। हाँ। तुम मर्द लोग हमेशा ऐसा क्यों करते? हाँ। मर्द लोग तो होते ही कुत्ते हैं। लेकिन मैं मजबूर हूँ। बरसों से मुझे अपनी बीवी का प्यार ही नहीं मिला। क्या? एक दिन हम दोनों प्यार कर रहे थे, बीच में ही उसे दौरा पड़ा, स्प्लिट पर्सनालिटी का। पता ही नहीं चला कब सर फटा, कब खून बहा। तब से बीवी के पास जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। अरे 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 मेरी जान, तुम तो वाकई बहुत दुखी है। जो होगा देखा जाएगा। ओके, जो होगा देखा जाएगा मतलब? मुझे एड्स है ना। एड्स? अरे कहाँ गए बत्ती बुझाने? नहीं बहन, तुम्हारे लिए टैक्सी लाने। Yes, yes, yes. Surprise! तुम घर वापस कैसे आ गई? और टुक टुक? क्या करती जान? हा? तुम्हारे बगैर दिल ही नहीं लगा? हा? लेकिन वो टुक टुक, वो अपने नाना के पास रहने के लिए जिद कर रही थी। So I left her there. Anyway, मैं फ्रेश होके आती हूँ। अंदर मत जाना। क्यों? अंदर कोई है? कौन? मेरी बहन, मेरा मतलब मुंह बोली बहन। मुंह बोली बहन मतलब? ए, ये बहन है? अरे दोस्त हूँ भाभी जी। वो क्या, इसकी कोई बहन तो है नहीं, इसलिए मैंने एक बार जो राखी बांधी तब से लेके आज तक वो मुझे बहन बहन ही कहता है। थैंक्स फॉर द क्लोज आंसर, मेरे थोड़े खराब हो गए थे। सो नाइस टू मीट यू, मैं चलता हूँ। नाइस टू मीट यू टू। चल। बहन नहीं बाप हो तेरा ठरकी, समझा? ओके ओके बाय बाय। हाय राज। हाय। तुम शादी में नहीं जा रहे हो? किसकी शादी? संजना की। Come on girls, you're getting late. Come on, come on. Congrats, Anjana. Oh, thank you. Hi, sorry. Oh, it's okay. मुझे शादी में बुलाया तक नहीं। सब इतना जल्दी जल्दी हुआ, कितने दोस्तों को बुलाना भूल गई। Who's the lucky one? तुम्हारी पसंद है, handsome होगा? नहीं, ठीक है। Compromise ही समझो। Compromise? और नहीं तो क्या? मेरे लायक तो कोई बना ही नहीं है। लेकिन एक क्वालिटी है उसमें, कोई ईगो कोई एरोगेंस नहीं है। बस उठते बैठते सोते जागते आई लव यू संजना, आई लव यू संजना, आई लव यू संजना बोलता ही रहता है। आई लव यू बोलता है और तुमने शादी के लिए हाँ कर दी? नहीं, करता भी है। करता तो? हाँ हाँ, तुम कुछ कह रहे हो? इट्स टू लेट। शादी अभी हुई नहीं है, कैंसिल भी तो हो सकती है ना। क्या? तुम मुझे जानते कहाँ हो, मैं बहुत बड़ी वाली पागल हूँ। और अगर मुझे उससे अच्छा ज्यादा प्यार करने वाला लड़का मिले तो why not? संजना, I also really love you. Really? Yes, I love you very much. लेकिन तुम ये अचानक मुझसे? नहीं, अचानक नहीं। याद है जब हम पहली बार मिले थे, वो टीवी प्लाज्मा, वो इंडिका फरारी, तभी हो गया। I swear मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसने बोल दिया ना I love you। चल अब तो मेरी शादी करवा दे। इसकी शादी है, मैंने कहा दो गाउन बनवा ले, किसी से आई लव यू बुलवाना है। चलो। सच में बहुत बड़ी पागल है। पापा, राज आ गए। आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम बाबूजी, आओ जी। पूरे शहर में कमिश्नर की बेटी ही मिली थी तुझे? हाँ, ये कमिश्नर? अबे छोटे चोर, कभी हवलदार और इंस्पेक्टर के ऊपर गया तू? सर आइए आइए आइए। मैं हूँ यश, राज का बड़ा भाई। हा? यश राज? नहीं नहीं नहीं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। We are Ambanis. Ambanis? नहीं 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 नहीं, उनसे भी हमारा कोई लेना देना नहीं। They are Indians and we are foreigners. NRIs. Oh, okay, okay, okay. बैठिए बैठिए। पापा राज कह रहे थे कि शादी होते ही रिलायंस खरीद लेंगे। हाँ? बैठिए ना सर।
हेलो सर। नो प्रॉब्लम। तुम क्या रामलाल इस महीने मिले नहीं? अभी सैलरी मिलने में टाइम है। तुम जानते हो मेरे नौकर को? बात यह है कि मेरा छोटा भाई एक सोशल वर्कर है। छोटे लोगों के लिए खास हमदर्दी है इसके दिल में, जैसे कि नौकर चाकर बावर्ची ड्राइवर, गरीबों का सहारा ही है। उनके पैसे छीन लेता है फिक्स डिपॉजिट कराने के लिए। आई कांट बिलीव इट। तुम्हारे पास थोड़ा जहर मिलेगा, जहर फिनाइल से काम चलेगा? अरे चलेगा नहीं, तोड़ेगा। उस राज के मिल्क शेक में मिला के उसे पिला देता हूँ। नानू, दीदी और जीजा जी भी आ गए। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यश अर्जुन, अब तो तुझे भगवान ही बचा सकता है। ये कहाँ गया? बड़ा रिलीजियस है मेरा भाई, मंदिर पे लेट नजर पड़ी ना इसकी। अरे यश तुम? अरे सर। आप इन्हें जानते हैं? अरे काजल, ये शहर के बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं। नमस्ते। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा छोटा भाई सोशल वर्कर है। वो भी है सर, वो छोटा मोटा है, मैं उससे थोड़ा बड़ा हूँ। प्लीज मुझे आज इस कमीनी से बचा लो भगवान। यश तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा छोटा भाई भी है? सर आपने कभी पूछा ही नहीं। सर संजना की कसम, आज के बाद सब कुछ बंद, चोरी ब्लैक। अरे यार, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की तुम्हें मिल गई भगवान से, और क्या मांग रहे हो मेरे दोस्त? तू कुत्ते, कमीने, तेरी ये हिम्मत अदाएं तो साली बीबी और बीबी यही नहीं, पूरा है पूरा, समझा? रेट डालकर गंदी गंदी लड़कियों को घर ले जाती हो। संजना चुप चुप, मुंह खोला तो मारूंगा, दोस्त होकर मिलता नहीं। ऊपर से मेरी साली से रिश्ता तय कर रहा है, वो भी मुझे बिना बताए। काजल पहचाना इसे? अरे कैसे नहीं पहचानेगी भाभी जी, कैसी आप? Oh my God! अरे कमाल है, सब एक दूसरे को पहचानते हैं। हम भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपके लिए दूसरा आ रहा है, ये स्पेशली राजी के लिए हमने बनाया है। राजी, ये स्पेशली आपके लिए है। भूल गए ना रामलाल, आज संडे है यार, संडे में व्रत रखता हूँ। भूल गए। कुत्ते कमीने, कीड़े पड़े तुझे। आओ बैठो 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 प्लीज। ये कमीना अगर इस घर में आ गया तो पूरे घर का कुंडा कर देगा। कमिश्नर साहब बगैर अपॉइंटमेंट किसी से नहीं मिलते। अच्छा एक काम करेंगे, ये जो दो फोटो हैं ये उन तक पहुंचा देंगे आप? ये दोनों तो अंदर ही हैं। हाँ, और इनके साथ तो साहब की छोटी बेटी की शादी तय हो रही है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? अरे भाई मेरी तरफ से नो प्रॉब्लम, बस काजल और अर्जुन। क्या बोलते हैं अर्जुन? मैं सोच रहा था पापा जी के। थैंक गॉड टूटा नहीं, जो भी अंदर था सेफ है, सेफ है। आप कुछ सोच रहे थे? सोचना क्या है, सोचने में अक्सर अच्छे लड़के हाथ से निकल जाते हैं, तुम्हारे जैसे। तो मतलब कि ये रिश्ता पक्का? चलो चलो चलो, मुंह मीठा करो, मुंह मीठा करो, मुंह मीठा। ये समोसा है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मुंह मीठा करो, मुंह मीठा करो, मुंह मीठा करो। क्या ये आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? क्या सोचा क्या था तुमने कि तुम गांव छोड़कर शहर चले जाओगे और मैं तुम तक पहुंच नहीं पाऊंगा? आप मैं इनकी माँ। मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, वी लव यू। भांजे, भांजे, क्या सोचा था मामा मर गया होगा? रिश्ते की बात करने अकेले ही चला, बताया तक नहीं। गलती हो गई मामा जी, गलती हो गई, गलती हो गई, दुख रहा है। अरे अंकल जी, आप तो वही है ना जिनका वो दो कमीने बैंक लूट कर भाग गए थे? जी 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 जी। वो मिले कि नहीं? जी मिल गए, और पैसे वो भी मिल जाएंगे, प्यार से देंगे तो ठीक है, वरना पुलिस डिपार्टमेंट वो तो अपना है ही, नंगा उल्टा करके मारेंगे। हाँ सुना, ये सुना मामा जी? हाँ। ये मारने मरने की बात छोड़िए, बहू से मिलिए ना। हेलो मामा जी। हाँ जीती रहो बेटा जी। समधी जी, मंगनी कब तय की है? कल संजना का जन्मदिन है, अगर आप कहें तो कल ही। मंजूर 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 मंजूर। तू है, तू है, मेरा विश्वास टूट गया। कभी कभी खुशी में इंसान पागल हो जाता है मामा जी। दुख में भी हो जाता है, मैं हो गया था ना। बोले बताओ मेरे पैसे कहाँ? पैसे खर्च हो गए मामा जी। खर्च हो गए सब? क्या है ना मामा जी, एक ही बैंक लूटा था ना, दो चार बैंक लूटे होते तब भी खर्च हो जाते, खर्चीले लोग हैं ना हम लोग। तो मेरे की
मंगनी कैसे होगी? देखिए मामा जी, मेरी मंगनी को बीच में मत लाओ। तुम भी बीच में हो भांजे, और तुम्हारी होने वाली मंगनी भी बीच में है। राज, इनकी हंसी पर ब्रेक लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। नहीं, चोरी नहीं करूंगा मैं, चोरी नहीं करूंगा। अरे जब कहां टेढ़े होके जा रहे हो, यहां खड़े होके बात कीजिए। यार मैंने अभी अभी अंदर संजना की कसम खाई है कि आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा यार। आज के बाद ना? हाँ। अरे आज तो 12 बजे रात तक है, 11 बजे काम खत्म कर लेंगे। सुन सुन, मिनिस्टर के घर पे चोरी करने का फुल प्रूफ प्लान है मेरे पास। मामा जी आप घर जाइए, हम पैसे लेके वहां पहुंचते। घर? मेरा घर तुमको पता नहीं है, तुम्हारा घर मुझे पता नहीं। लेकिन मामा जी, अरे काहे का मामा होगा तेरा बाप? जब तक मेरे पैसे नहीं मिल जाते, मैं तुम दोनों के पीछे परछाई की तरह लगा रहूंगा, समझ गए? ये समझ लो कि मैं आज से तुम्हारा बॉस हूं, और जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम लोग करोगे, समझे? ओके बॉस। ओके, see that. Criminal Marcus commits suicide in jail. Funny. आखिरी बार पूछ रहे हैं डायमंड्स कहाँ हैं, वरना कल सुबह की ब्रेकिंग न्यूज यही होगी। How's that? You'll be finished. Funny, huh? Take me out now. Quick. Stop them! He's Marcos! तो कहा था दो ही कुत्ते हैं, ये तीसरा कहां से आ गया? अरे तीसरा नया पाला होगा, चलो। अरे यार 40 फीट की दीवार चढ़ा दी और गेट तो खुला हुआ है। ओ ये लो, ये गार्ड है, ये तो सोया हुआ है। अरे सोया है तो उठाते हैं, चलो। तुझे बचाने वाले मर चुके हैं मार्कोस। Marcus, मिनिस्टर ने तो घर में ही बैंक खोल लिया है। एक काम करो यश, जितने इनको देने ना उतना ही निकालो। ले आ जा गिन ले। गिनना नहीं है, बैंक का गिन के लुटा था।
मैं मैनेजर हूं, मुझे पता इतना ही था। ले लो, उठाओ। हीरे कहाँ? उप तिजोरी में। ला, ला। देखिए बॉस, गांव कल सुबह की ट्रेन के बजाय शाम की फ्लाइट से जाना पड़ेगा आपको। क्यों? अरे कल मेरी मंगनी है ना, लोग क्या बोलेंगे, मामा जी कहाँ हैं? ओह, तो फिर तो तुम्हारी शादी में भी आना पड़ेगा। अरे शादी के लिए बहुत टाइम है, बोल देंगे कि मामा जी मर गए। लगता है कोई आ रहा है। अरे आ रहा है तो भागो। चल लेके आ इसको। घर चल। मार्कोस, मार्कोस, मार्कोस की चोरी हुई है। क्या? हाँ मार्कोस से चोरी हुई है। मार्कोस वो डायमंड के साथ मेरे सब कुछ उठा के ले गए। मुझे मालूम था तू ऐसे बहाने बनाएगा। इन हीरो के लिए मैंने 500 कौन किए। तू बोलता है कि मार्कोस हीरो के साथ साथ वो लोग मेरा सामान भी लेंगे। शक्ल से इडियट लगते हैं हम तेरे को। मुझे मेरे हीरे चाहिए, मुझे मेरे हीरे चाहिए, मुझे मेरे हीरे चाहिए, चाहिए, मुझे चाहिए। रुक जा, चाहिए, सुफिया रो, चाहिए, 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 चाहिए। मर गया तो डायमंड्स नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे डायमंड्स, प्लीज। सॉरी 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 ओल्ड मैन, सॉरी। डिसी चल ऐसे झटका दे। Come on, my dear minister. Come on, jump. अबे उठ, हाँ? बॉस, ये तो मर गया साला। मर गया। What? बॉस, बॉस, आप ही ने तो कहा था बॉस। मैंने बोला था झटका देने, मार तो मैं भी सकता था गधे। बर्बाद हो गए। गलती हो गई बॉस। तू ऐसे क्या रो रहा टकले, तेरा बाप मरा क्या? इन्हें भी आज ही मरना था। पुलिस वालों की भी कोई पर्सनल लाइफ होती है। डेफिनेटली सर। घर में संजना की एंगेजमेंट है, हजारों काम पड़े हैं और ये यहाँ पड़े हैं। खैर तुम ये बताओ, मर्डर वेपन जिससे मर्डर किया गया वो वायर मिला? नहीं सर, मुजरिम ने अपने पीछे कोई सबूत ही नहीं छोड़ा है सर। नायडू, मुजरिम जुर्म बाद में करता है, सबूत पहले छोड़ता है, बस देखने वाली आंखें चाहिए। सर क्या? सर सर, तुम्हें क्या लगता मैं गिरा? हाँ? अरे मैं जानबूझकर अंदर घुसा था। ये लेने, जिसने भी तिजोरी खोली होगी उसकी तस्वीर इसमें छपी होगी, तुम इसे डेवलप कराओ और डायरेक्टली वहीं पहुंचो। ओके? यस सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज रिपोर्ट टू द डांस फ्लोर। जिसने देखा डांस तेरा वो तेरे पीछे मोड़ लिया। डांस फ्लोर पे तेरी खातिर ढोल बजाए ढोल लिया। मशहूर तेरे ठुमके कनाडा तक नहीं, कनाडा तक नहीं। ओ शकीरों से भी ज्यादा तेरे अगले लकनी, शकीरों से भी ज्यादा तेरे अगले लकनी, शकीरों से भी ज्यादा तेरे अगले लकनी, शकीरों से भी ज्यादा तेरे अगले लकनी। ओ हे, we don't care about a damn thing, let your hips shake, keep on dancing, had a drink but I still be wanting one more. धरती हिला दे गोरी, पैर चकनी, पैर चकनी।
यार यश, ये पुलिस वाले हमारी तरफ क्यों आ रहे? अरे तू कमिश्नर का दामाद बनने जा रहा है? हाँ? तुझे मुबारकबाद देने के लिए पुलिस वाले नहीं तो क्या चोर आएंगे? बल्ले बल्ले! ये क्या मजाक है अर्जुन साहब? हमने किया क्या? मिनिस्टर सानियाल का मर्डर। मर्डर? क्या मर्डर? नहीं अर्जुन साहब, हमने कोई मर्डर वर्डर नहीं किया, हम तो सिर्फ चोरी करने गए थे। अरे क्या बकवास कर रहा है तू यार? मर्डर का फंदा हमारे गले में डाल रहा है, इसलिए सच्चाई बता रहा हूँ यार। शरप शरप प्लीज यार, मंगनी की खुशी में पागल हो गया बेचारा। हाँ। अरे अर्जुन साहब, आप जानते हो मैं कितना शरीफ इंसान हूँ। शरीफ? ये देखो तुम्हारी शराफत। उतार यह शराफत का चश्मा, आज मैं तेरी असली शक्ल तो देखूं। बॉस? मामा जी, तो तुम इनके बॉस हो? अरे नहीं नहीं, नहीं ना मैं इनका मामा हूँ ना मैं इनका बॉस हूँ, मैं तो टोटल लॉस हूँ सर। सर मेरे बीवी बच्चे मेरा पूरा गांव इंतजार कर रहा है, और मेरा तो फ्लाइट का टाइम भी हो गया सर, आप मुझे जाने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। देख लीजिए सर, आप खुद देख लीजिए, हमने तो सिर्फ चोरी की, मर्डर नहीं। अर्जुन साहब आप तो मुझे बरसों से जानते हैं, छोटा मोटा चोर हूँ मैं, लोगों को ब्लैकमेल करता हूँ, याद है कि नहीं सर? ये सब डिस्कशन यहाँ नहीं, कोर्ट में करना, कोर्ट में। ले जाओ इन्हें। दीदी देखिए ना चीजा जी ने क्या कर दिया। तुम्हें मालूम था कि ये चोर है, ब्लैकमेलर है, फिर भी तुमने? अरे पापा जी, मैं तो कहता हूँ पुरानी बातों पर मिट्टी डालिए, और ये देखिए कि मैंने सही वक्त पर सही एक्शन लेकर संजना की जिंदगी आबाद कर दी। बर्बाद भी तो तूने ही करी है ना कमीने। अरे रुको, मुझे भी साथ ले चलो, मुझे भी साथ ले चलो। अर्जुन! कल तक तो मैंने सिर्फ बैंक ही लूटा था, और आज तो मैंने मर्डर भी कर दिया। मिनिस्टर का मर्डर। ए बॉस, पुलिस के सामने कन्फेशन कर रहे हो, मर्डर तुमने किया है क्या? तो बैंक भी कौन सा मैंने लूटा है, लेकिन इल्जाम तो है ना सर पे। साले कोडियो, तुम्हारी वजह से फंस गया हूँ मैं यहाँ। फंसाया तो तुम दोनों ने है मुझे, बैंक तुम्हारा था, लूटा इसने, फंस गया मैं। अच्छा खासा उंगली में अंगूठी डाल रही थी, हाथों में हथकड़ियां डलवा दी। वाह 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 वाह, सारा बिल मेरे नाम पर फाड़ दिया। हाँ, तुम्हें वो पागल लड़की चाहिए थी, तुम्हें पैसे चाहिए थे, तुम दोनों को बचाने के चक्कर में मैं फंस गया हूँ। ये समझ में आ गया कि हम तीनों फंसे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसकी वजह से फंसा है। ये रुक क्यों गए? ये शूटिंग चल रही है फिल्म की। पता है वो जो कमीना ब्लैकमेलर है ना, वो अंदर हो गया, और उसका जो दोस्त था ना शरीफ दोस्त, चश्मा लगा कर घूमता था, वो तो बड़ा चोर निकला, मर्डरर। फांसी होगी फांसी। अरे भाई साहब आप भी लड्डू खाइए ना, लीजिए। अरे शर्माइए मत, लीजिए। बड़े लड्डू शड्डू बांट रहे तू, फांसी पे चढ़ने से पहले ये तेरा घर तोड़वा देगा। नहीं 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 प्लीज, तेरे फिल्म के लिए एक सीन सोचा है मैंने, पुलिस स्टेशन में आके मिल। क्या बात है सर, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? उन तीनों ने बर्बाद कर दिया मुझे, पूरी फैमिली कैसे कैसे सवाल कर रही है, क्या क्या जवाब दूं? टॉर्चर रूम में लाओ सालों को। यस सर। शूटिंग चल रही है? हाँ सर। एक्चुअली सर, इस फिल्म के डायरेक्टर को एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर की तलाश थी, मैंने कहा इस रोल के लिए हमारे हिसाब से अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता। फिल्म में काम करोगे? क्यों नहीं करेंगे, शौक है, किसको नहीं है, एक्टिंग आती है। हीरो का रोल है सर, इसमें करना ही क्या है। मैंने जो तुम्हें सीन समझाया इसको समझा देना। अरे लाइटिंग रेडी हो गई भास्कर। सर यहाँ पे तीन कैदी बंद है जिन पर मर्डर का इल्जाम है, लेकिन आप जानते हैं कि वो मासूम है, आप तीनों को यहाँ से भगा देते हैं। सीन अच्छा है? अच्छा है ना सर। हाँ। लेकिन ये तीन मासूम कैदी है कौन? ये है सर, ये चोर, ब्लैकमेलर, मर्डरर, ये मासूम है। अरे ये तो अपने बचपन में भी मासूम नहीं रहे होंगे। लेकिन फिल्म में हैं,
फिल्म में जो होता है वो नहीं होता है, और जो नहीं होता है वही तो होता है। ये कल्प्रिट्स हैं, लेकिन आपकी नजर में इनोसेंट हैं। आप इनसे नफरत करते हैं लेकिन आपको प्यार दिखाना है, यही तो आपकी एक्टिंग का इम्तिहान है। कर पाओगे ना? नहीं, ये नहीं कर पाएंगे। सवाल ही नहीं, फेल हो जाएंगे। फेल हो जाएंगे, फेल। फेल है। सलमान को बोलो म्यूजिक। अरे सर, डायरेक्टर सब आर्टिस्टों के साथ भाग गए। सर भाग गए। थैंक यू ओपी साहब, थैंक यू वेरी मच। कमाल किया आपने। आपके अभी सारी वो अय्याशियों के टेप्स मैं वापस कर दूंगा। पहले मेरे बीवी बच्चे को तो वापस कर दो। बीवी बच्चे? हाँ, तुम लोगों को बचाने के लिए तुम्हारे आदमियों ने उन्हें किडनैप कर लिया है। कौन? हमारे आदमियों ने। वेलकम मार्कस। हाय बेबी। Hello, boys. Coca. Once in a blue moon, तेरे बीवी बच्चे घर पहुंच जाएंगे, तू भी जा। Hey, poor baby. Good shot. हीरे कहाँ? हीरे? ये साले हीरे का नया चैप्टर क्या शुरू हो गया? कौन से हीरे? वही हीरे जो हमारे पहुंचने से पहले मिनिस्टर की तिजोरी से तुम लोगों ने निकाल लिए। देखिए सर, कुछ कंफ्यूजन है।
चोरी हमने की, लेकिन तिजोरी में कोई हीरे वीरे नहीं थे। मंत्री ने बोला हीरे तिजोरी में मारा गया, और ये साले हरामजादे बोलते हैं कि तिजोरी में हीरे थे ही नहीं। एक बात कहूँ मार्कस भाई? हाँ, क्यों नहीं अंकल, तुम तो उनके बॉस हो यार, बोलो। बस बिना ड्राइवर के चल रही है, आप सब लोग सवाल पूछिए, एक आदमी को बस चलाने दीजिए ना प्लीज। करोड़ों के ही रहे, बड़ी मुश्किल से हमने चुराए थे, बड़ी आसानी से तुम लोगों को मिल गया, तो नेचुरली आसानी से बताओगे तो नहीं। सही बात है, करोड़ों के हीरे हों तो कोई मुश्किल से भी नहीं बताएगा। मार्कस भाई, बस खाई में जा रही है। मार्कस भाई टंबो। यस बॉस। टंबो, मैं बता तो टंबो जल्दी। डार्लिंग, कहाँ हो तुम? आज ये बिल्कुल नए किस्म का दौरा पड़ा है, 24 घंटे में तीसरा अटैक है, और पापा जी ये बच्ची जैसी क्यों बात कर रही है? तीनों मुजरिम भाग गए और तुमको पता तक नहीं चला। अरे पता चला उन तीनों को पकड़ भी सकता था, लेकिन डायरेक्टर ने कट नहीं बोला ना, क्या करता, शॉट खराब कर देता। हीरो बनने की क्या जरूरत थी? मैं तो कहता हूँ पुरानी बातों पर मिट्टी डालो डालो। बाबा जी कुछ कीजिए ना। मैं करूं? अरे तुमने उस खूनी का संदरा के साथ रिश्ता करा के पूरे डिपार्टमेंट में मेरी ठूठू करा दी है। अरे मैं तो कहता हूँ पुरानी बातों पर मिट्टी डालो बाबा जी। मिट्टी इधर। अर्जुन मर गया। अर्जुन, आज तक मैंने कभी स्टेशन पे ट्रेन का वेट नहीं किया, आज पटरी पे लेट के कर रहा हूँ, मेरी बीवी मेरे बच्चे। ये आ गया, हमको बचाने वाला फरिश्ता आ गया। ये आजा भाई, हमको बचाने वाला फरिश्ता आ गया है, आजा। भाई साहब कर क्या रहे हैं? मर रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है, सुसाइड कर रहा हूँ। क्या किस्मत है, हमें जो बचाना है वही मरने जा रहे हैं। भाई आप मर जाओ, लेकिन पहले हमें तो बचा लो प्लीज। देख रहे हो आप, ये दुनिया बची है जीने लायक इस तरह के लोग, तो क्यों जूं मैं? सब जीना चाहते हैं, मरने वाले से साला कोई नहीं पूछ रहा कि भाई क्यों मरना चाह रहा। बचने के बाद हम पूछने वाले थे सर। नहीं नहीं, हम पहले ही पूछ लेते, भाई अब क्यों मरने जा रहे हैं? अफगानिस्तान में मेरी पूरी फैमिली को बम से उड़ा दिया, माँ बाप बीवी छोटे छोटे बच्चे, एक बम आया और धड़ाम। फोटो रखी है मेरे पास। मैं नहीं भाई, यकीन है। लेकिन भाई साहब हमने थोड़ी मारा है उन्हें। अरे तो बचाए भी तो नहीं ना यार, फिर क्यों जिंदा रहना चाहते हो और जी के करोगे क्या? मान लो आज अगर बच भी गए तो कल को किसी गोली से मर जाओगे, परसों बम से उड़ा दिए जाओगे, तो बेहतर है कि आज चुपचाप लेट के मर जाओ। सही है भाई, सही बात है। नमस्ते। क्या होगा अब? अगर स्लो ट्रेन आएगी ना तो आस्ते आस्ते कटेंगे, और अगर फास्ट ट्रेन आई ना तो कट 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 कीबा। वो चौथा कौन है? अरे खोल, मरने आया है। कौन सी ट्रैक पे चला रहे हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया। स्टॉप द। फिर बचा लिया ना, जानता है ना कि ऊपर आया तो बहुत सारे सवाल करूंगा। बाहरी किस्मत, मरना कौन चाहता है और मर कौन रहा है।
यार तू मुझ पे शक कर रहा है? और किस पे करूं? तिजोरी से पैसे निकालकर मैंने तुझे दिए थे। अरे बैग तो उसी वक्त बॉस को दे दिया था यार तेरे सामने। ए, 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 मुझ पर हाथ मत उठाना साले चोरो, अपनी तरह समझते हो क्या मुझे? अरे ईमानदार आदमी हूँ मैं। तेरी कसम यश, हीरे मेरे पास नहीं है। और मैं भी मेरे बीवी बच्चों की कसम खाता हूँ। तो फिर डायमंड्स गए कहाँ हैं? मार्कोस के पास नहीं है, तुम लोगों के पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, तो डायमंड्स गए कहाँ? मैं एक बात कहूँ? हाँ बोल। मेहरबानी करके गुस्सा मत होना। अरे बोलना। हमने तो खा ली, तू भी तो कसम खा। बस तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता कुछ नहीं, लेकिन तुम आदमी प्यारे हो यार। और ये तो बचपन से मेरा प्यारा है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा जिगर है। मैं तुम दोनों के सर पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, मेरे पास हीरे नहीं। अब ठीक नहीं होगी ये, अब इसका ठीक होना इम्पॉसिबल है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, कम से कम इसे पहली वाली हालत में ले आइए। दिन का एक दौरा, वो 10 मिनट वाला। हाँ डॉक्टर साहब, उसकी तो हमें आदत भी पड़ चुकी है। तो शॉक ट्रीटमेंट दो, इसके लिए कुछ ऐसा करो जिसकी इसे बिल्कुल भी उम्मीद ना हो। खुशी दो, खुशी। तुमने इसकी बहन की मंगनी तोड़वाई थी ना, तुम इसकी बहन की शादी करवा दो। मगर किससे? अरे कुत्ते बिल्ली से। हाँ? मेरा मतलब है किसी से भी। किसी से भी तो अपना डीएचजी का बेटा क्या बुरा है? राहुल अपनी संजना को पसंद भी करता है। मगर संजना मानेगी क्या? अरे पापा जी, इश्क में चोट खाए हुए लोग खून कर देते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, तो शादी क्या चीज है? मना लेंगे उससे? आप बस शादी की तैयारी कीजिए। शादी नहीं होने दूंगा और मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। देख यश गया खाना लेने, वो आ जाए बाद में हम सोचते हैं। सोचने समझने का टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे जाने दो। नहीं जाने दूंगा, वहाँ पे पुलिस है, भुट्टे की तरह फूंक डालेंगे तुझे। संजना के बिना जीकर भी क्या करूंगा मैं? मेरे जीते जी मैं उसे किसी और के नहीं होने दूंगा। राज, राज। एक वो साला खाना लेने गए पता नहीं कब आएगा, और ये गए गोली खाने जो कभी नहीं आएगा। राज, राज। नहीं नहीं रोना नहीं, इतनी अच्छी लग रही हो, मेकअप खराब हो जाएगा। इसीलिए तो अंदर ही अंदर रो रही हूँ दीदी। भूल जाओ उस धोखेबाज को, वो जो भी था, लेकिन मेरा पहला प्यार था। सोते जागते उठते बैठते बस वही नजर आता है। ओह गॉड, क्या हुआ? अभी भी लग रहा है जैसे सामने से वही चला रहा है। तू भी ना, लग नहीं रहा है वही है। How dare he? दिया जी साहब, ये वही लड़का है। शादी कर रही हूं और तुम्हें किस तरह सजा देती? तुम्हारी हर सजा मुझे मंजूर है, लेकिन ये नहीं। तुम चलो मेरे साथ, वरना मैं। वरना? वरना क्या करोगे तुम? वरना क्या बच्चे? बोलता क्यों नहीं है? बोलना। वरना क्या कर लोगे? झाड़ ले लूंगा। गोली चलाओगे तुम? चलाओ गोली। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम पर गोली चलाऊंगा? राज, नहीं राज, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम भी कहां जानती हो कि मैं कितना बड़ा पागल हूं। अरे टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, मैं किसी की वजह से अपनी पिस्तौल में गोलियां नहीं रखता। ए बॉयज, अरेस्ट हिम। शाबाश। बाबा जी क्यों आए थे? ओए ऐसे नहीं होते। लेकिन मेरी रिवॉल्वर कभी खाली नहीं रहती, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो सबसे पहले ये दुला जाएगा। और दूल्हे के बाद एक एक करके बाराती। चंडो, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। अरे हमने तो बिना पता किए पता नहीं क्या क्या कर डाला। बताइए इतने बड़े बॉस क्या ऐसे ही बन गए? अरे बैग कैसा है? अरे ऊपर पड़ा था, उठा लिया। बहू को मुंह दिखाई में कुछ देना तो पड़ेगा ना। एक तीर और है मेरे पास। है? निकाल। तुमने डीआईजी के बेटे पर गन रखी है। डीआईजी? इसका अंजाम जानते हो क्या होगा? अरे तुम तो कह रहे थे कि संजना की शादी किसी गधे के बेटे से करवा रहे हैं। हाँ, डीएजी साहब का सरनेम गधा है ना। No problem. यार तुम लोग मेरे से क्या क्या करवा रहे हो, सारे कमीनों। अब जी लाइट बंद कर दिया मैंने, अब वो हमें देख नहीं पाएंगे। पकड़ लो जल्दी। अरे पकड़ लो। रिलैक्स। सॉरी सॉरी, थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, काम डाउन, रिलैक्स। इडियट। डैडी संजना कहाँ है? अरे संजना कहाँ है? ये सब लोग कहाँ गए? लगता है भाग गए। नो प्रॉब्लम, no problem, no problem.
पेट्रो। फेस पे नहीं, फेस पे नहीं, कहीं भी फेंकना, फेस पे नहीं। फेस पे नहीं। अभी भी टाइम है। देखो, ये रही मिनिस्टर के मर्डर की रिकॉर्डिंग। देखो, अपनी बेगुनाही का सबूत ले लो और हीरे दे दो। हीरे भाई, कितनी बार बताया आपको, हीरे हमारे पास नहीं है। अरे है, माने का आइडिया है। ये टेप हमको दे दो, ताकि इससे हम अपने आप को बेगुनाह साबित कर दे और फिर साथ में मिलकर हीरे ढूंढेंगे ना। इतने बड़े हरामियों से पाला पड़ा है, ये सारे ऐसे नहीं मानेंगे। मसाज कर, ठीक से मसाज कर इसको। मेरी क्यों यार? तेरे दिमाग में बहुत आइडिया आते हैं ना, ये पेट्रोल तेरे दिमाग में जाएगा और तेरे सब आइडिया को जला के राख कर देगा। ए, तू क्या देख रहा है? ये देख, गीला नहीं हुआ, गीला करना। अरे कुछ नहीं होगा बॉस, जब तक हीरे हमारे पास है। पर हमारे पास हीरे कहाँ है यार? अरे इन्हें लगता है ना हमारे पास है, जब तक इन्हें लगता है कि हीरे हमारे पास है, ये हमें मार ही नहीं सकते। नहीं नहीं नहीं, हम आप लोगों को नहीं मारेंगे, हम सिर्फ जलाएंगे। हम जलाएंगे, ये बुझाएगी। हम फिर जलाएंगे, ये फिर बुझाएगी। बॉस ऐसा नहीं हो सकता कि ये जलाएं तुम बुझाओ, फिर ये जलाएं फिर तुम बुझाओ। उसे क्या होगा, तुम जलोगे नहीं? जलेंगे, अरे बिल्कुल जलेंगे, लेकिन उस जलने की जलन में जलने जैसी जलन नहीं होगी ना। क्या मतलब इसका, मतलब क्या इसका? अरे ये जरूरी है कि हर चीज का मतलब हो यार। अरे लेकिन मतलब क्या इसका? एक मिनट ये बोल, जलने की जलन में जलने जैसी जलन नहीं होगी। चलने की जलन में बॉस, तू बकवास क्या कर रहा है? तू डालना, मैं चलाता हूँ। छोड़ेंगे नहीं तुम लोगों को। ए, वाले, हमारे बॉस डॉन है, डॉन। चलो 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 चलो, नहीं चलो, बस हम लोग बच गए। बच गए तो रोता है। बोट में हूँ। Hey, you, मरने आए क्या? अरे तो जी के भी क्या करना है मैडम, अबे तो हमें बता नहीं सकता था कि बोट पे होल करके बैठा हुआ है, हम किसी दूसरी बोट पे चढ़ जाते। अरे पागल है वो, तुम लोग होल बंद करो, होल बंद करो। हाँ हूँ मैं पागल, इराक में पूरी फैमिली को मार दिया मेरी, कहाँ थे तुम लोग? अरे तो इसमें हमारी क्या मिस्टेक है भाई? मिस्टेक जिसकी है वो तो पूरी दुनिया जानती है भाई, लेकिन तुम लोगों ने हाथ पकड़ा उसका, कहा उसको भाई क्यों मार रहे लोगों को, मरो तुम लोग। अबे साले, अभी हमारी मौत नहीं आई है तेरी। ओए बावड़े, ये क्या आ रही है? इन पेपर्स पर साइन करो। जी क्या करूं? इन पेपर्स पर साइन करो बेटे। आप इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं पापा जी? चिल्लाने से आज तक कोई फायदा हुआ है जो अब होगा? उल्टा मेरी तबीयत खराब हो गई। पेपर बनवाने की क्या जरूरत थी पापा जी? वैसे भी आपके बाद सब कुछ मेरा ही तो है, ये घर जायदाद है ना काजल? मेरी वसीयत के पेपर्स नहीं है, मैं तुम्हारे और काजल के कोर्स की बात कर रहा हूं। जो बात मैंने आज तक सोची नहीं आपने कह दी। अगर आप कमिश्नर हैं तो मैं भी इंस्पेक्टर हूं, सीनियर, और मेरी मर्जी के खिलाफ दुनिया की कोई ताकत मुझसे साइन नहीं करवा सकती। साइन कर, साइन कर। पिस्तौल में गोली नहीं रखता और खुद को बहुत बड़ा शिकारी समझता है। काजल, दो तीर से एक शिकार तो कर नहीं सकता, और एक तीर से दो शिकार करने निकला था। नानू, मम्मी को तो एकदम नया अटैक आया है। साइन कर। काजल, क्या काजल? काजल काजल की उस पागल बहन को क्रिमिनल उठा के ले गया और तू खड़ा देखता रहा? मैं साइन कर। करता हूँ। मिस्टेक की जगह। अर्जुन, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम।
कामनी मैं तो कहता हूँ पुरानी बातों पर मिट्टी डालो। मिट्टी 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 हर बात पे मिट्टी डालने का बड़ा शौक है ना तुझे। तुझे मिट्टी डाल। नानू प्लीज मेरे पापा को बचाओ ना। जाने दे, वैसे भी धरती पे बोझ है। यश, बिना मतलब के ये मासूम फंस गए। ये मासूम है? ये कम मासूम है क्या? इस बेचारे ने किसी का क्या बिगाड़ा है? एक बार हमें घर क्या ले गया, घर से भी गया, घर वालों से भी। जरा सोच यार, इसके बिना इसके बीवी बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा। राज, एक वादा करते हैं यार, अगर इसका इनकाउंटर हो गया ना तो इसके बच्चों को पाल पोस कर बड़ा हम करेंगे यार। डन बॉस। और बीवी का क्या? दूसरी शादी कर लेगी यार। शी स्मार्ट ना। ये चुप करो साले कमीना, चुप करो। क्या हुआ बाबा जी? तूने सुना? ये बोलते हैं मेरा एनकाउंटर करवा के साले मेरे बच्चों को पालेंगे और मेरी बीवी की दूसरी शादी। साले कोड़ियों, साले कीड़े पड़ेंगे। तुम क्या समझते मैं मर जाऊं और तुम बचोगे? कौन था? बिल्ला बाड़ा। अरे यार, ये तो पीछे ही था। ऊपर कोई है, चलो। क्या करेंगे आप? अरे रुको, मुझे कुछ सोचने दो यार। तेरी दर्द। कौन है उधर? हैंड ग्रेनेड फेंक के देखूं क्या? नहीं नहीं, ये माइंस बिछाई है ना। माइंस? तो जो पैर रखेगा खुद ब खुद उड़ जाएगा। गॉड सो बी केयरफुल। अरे बाप रे, ये स्कड मिसाइल बहुत कमाल है। हा? वो टंकी उड़ा के मैं टेस्ट करूं? अरे नहीं यार, हीरा बेच के हथियार मार्कोस को उड़ाने के लिए खरीदे हैं। अरे अच्छा किया है यार, वरना वो मार्कस हमारा पीछा छोड़ता ही नहीं। बहुत खतरनाक आदमी है। अरे क्या खतरनाक है, फुग्गा है फुग्गा। पटरी पे हमको लिटाता है, ट्रेन उसके पीछे लग जाती है, पेट्रोल हम पे डालता है, जल खुद जाता है। लेकिन वो तो उसके चार जोकरों की वजह से है। और वो पांचवी? अरे वो तो क्वीन है, क्वीन। अपने लिए उसकी आंखों में प्यार देखा है मैंने। यॉट पे ना चोरी छुपे इशारे कर रही थी मुझे। ओहो, अरे फिर तो भाभी हो गई ना अपनी। मैंने कुछ नहीं किया। चलो चलो अपने हथियार उठाओ। अरे बंदूक का संभाल के यार, लोडेड है। और सुनो, बातों बातों में माइंस बिछाई है, भूल मत जाना। ये लोग तो निकल गए, लेकिन हम लोग कैसे निकलेंगे? मार्कोस! All arrangements done? Yes, sir. मेरे सर पे इतना ज्यादा इनाम क्यों? आप बॉस हो ना? बॉस की? ये तो पुलिस स्टेशन है राज। ये तो पुलिस स्टेशन है भाई, चलो। वाह 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 वाह, कितना लकी पुलिस स्टेशन है। ओपनिंग कल है और क्रिमिनल आज ही आ गए। बाकी कहाँ है? इधर ही है, भाग गए। लेकिन मैं नहीं भागा, मैं नहीं भागा। थक भी तो गए हो तुम। हाँ थक गया हूँ, लेकिन मैं भागा नहीं। देखा, मैं भागा नहीं। और मैं क्यों भागू सर, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं क्यों भागू? आई एम इनोसेंट सर। कितने इनोसेंट हो, वो तो हेडक्वार्टर्स पहुंचते ही पता चल जाएगा। वो कैसे सर? हमारे पास एक मशीन है, लाई डिटेक्टर। हाँ? जो सच और झूठ सबको पकड़ लेती है। ऐसी मशीन है आपके पास? अरे तो सर पहले क्यों नहीं बताया? सर मैं कितना भागा, कितना दौड़ा। सर सर सर, मुझे अभी कभी उस मशीन के पास ले चलिए। आइए सर।
सर ये मशीन खराब हो गई है, सच को झूठ और झूठ को सच बोल रही है। अब इसे जल्दी से ठीक कर ले वरना कोई सच्चा आदमी हमारे सर जी के हाथ बहुत पिट जाएगा। सर ये मशीन है। बैठो बैठो। सर ये मशीन इंटरोगेशन के टाइम नो डिस्टर्बेंस। सर लेकिन ये मशीन शट अप वरना तुम्हें बैठा दूंगा। तुम बैठ जाओ ना भाई, बैठ जाओ, सब डिस्टर्ब हो रहे, बैठ जाओ। हेलो हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? झंडूलाल साहब। बॉस कौन है? बॉस तो मैं। राइट। गुड। और ये गैंग कब से चला रहे हो? गैंग? मैं तो बैंक चलाता हूँ सर। तुम आदमी हो या औरत? मैं औरत हूँ। मुझे डाउट था लेकिन आपका मशीन ठीक चल रहा है। ये मशीन का नहीं, तुम्हारा टेस्ट चल रहा है। बीवी के अलावा कितनी औरतों के साथ चक्कर है? बीवी के अलावा? बीवी के अलावा सभी औरतों के साथ चक्कर है। राइट, राइट। मतलब घर में दुख बाहर सुख। ये क्या है सर? कन्ना शुगर केन मूंगी मार। मूंगी मार? इसकी मार दिखती नहीं, दुखती बहुत है। अब अगर तुमने एक भी हेलो हेलो काजल डार्लिंग, क्या टुक टुक मिल नहीं रही है? दो घंटे हो गए और उसका कुछ अता पता नहीं है। काजल काजल डोंट वरी काजल, वो तुम हंस क्यों रहे हो? एक अंडरवर्ल्ड को बॉस जिसने मिनिस्टर का मर्डर किया है, बैंक लूटा है, उसको राइट और रॉन्ग दोनों बातों में मारते रहोगे और तुम्हारे बच्चे आसानी से घूमते रहेंगे। क्या मतलब? मतलब तेरी बच्ची को मेरे बच्चों ने किडनैप कर लिया। या देखो बॉस, मैं तो कहता हूँ पुरानी बातों पर मिट्टी डालो। और मिट्टी भी डालेगा आप? वो तो मैं ऐसे ही कहता रहता हूँ। मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए प्लीज। अरे कुछ नहीं होगा तुम्हारी बच्ची को, मुझे छोड़ दिया है, अपनी गाड़ी भी दे दी है। मैं अपनी गैंग वाले को फोन करके बोल देता हूँ कि वो तुम्हारी बच्ची को घर पहुँचा दे। अरे बॉस भी ना यार, काटा क्यों? पुलिस स्टेशन में सेफ रहेगा। बोल दिया। लेकिन सर आपने तो बात की नहीं। अरे भाई बॉस हूँ यार, इशारों में बात करता हूँ। हेलो काजल, काजल तुम चिंता मत करो, टुक टुक बहुत जल्द घर पहुंच जाएगी। क्या घर पर ही है? घर पर ही है? अच्छा हाँ नहीं डू काजल मैं थमक। ए ए ठंडू, अरे मुझे बेवकूफ बना। राज संजना बॉस, एक बात बता, तुम्हारे मोबाइल में इनकमिंग फ्री है कि नहीं? है ना, है ना, है ना। हाँ तो फिर मेरा फोन क्यों काटा? बिल तो मेरा बनता ना, फोन क्यों काटा? राज को नहीं। चुप, नहीं तो तुझे तो मैं मुंह पर ही मार दूंगा। चुप। हाँ साले, मुझे पुलिस स्टेशन में अकेला छोड़ कर। ये बॉस ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा।
ये क्या है? ये हीरा है, हीरा डायमंड। पर वो तो मुझे भी दिख रहा है अंधे। ये तेरे पास कहां से आया? अरे मेरे पास ही तो थे। अरे बताया था ना उस दिन मैंने आप लोग को, इसी से तो हम लोगों ने झूठ मूठ के हथियार खरीदे थे। और जो हमारे सर की कसम खाई थी उसका क्या? तो तुम लोग मर गए हो क्या? तो बस प्लीज खोल दो यार, मुझे भी एक बांबू दो प्लीज। हाँ, खोल 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 इसको, खोल 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 ना प्लीज। अरे बॉस गन्ना। अरे नहीं ये बॉस, एक मुझे भी दीजिए। अरे एक गन्ने के कितने टुकड़े करूँ यार? ए बहू तू नहीं मार सकती, जेठ हूँ मैं इसका। जेठ है तू, जेठ है तू। उस दिन बहू पेट्रोल से जल जाती तो हीरे है ना, प्लास्टिक सर्जरी करा देते। और ससुर के ट्रेन से हाथ पैर कट जाते तो? अरे बॉस हीरे है ना, नए लगवा लेते। और कितने हीरे तेरे पास? अरे जितने थे बाहर आ गए ना। झूठा है, झूठा है, झूठ बोल रहा है। बस नंगा करके इसकी तलाशी लेते हैं। अरे नहीं नहीं, बहू के सामने। बहू तुम मुंह उधर करो, उधर करो। जेठ जी नंगे हो रहे हैं। अरे नहीं बॉस, फुल नेकेड करता हूं। ये बॉस, अरे नहीं बॉस, ए राज क्या कर रहा है तू? अरे राज छोड़ मुझे। इन डायमंड से तो 100-200 बैंक खुलवा सकते हैं। जज, पुलिस, मिनिस्टर सबको खरीद सकते हैं। चार शहरों में काम हो जाएगा। अरे एक हीरे का काम है बॉस, सब हिसाब किताब करके बैठा हूँ। यहाँ हो ना बताता हूँ, आओ खोलो। बॉस मेरा प्यार और आपके बीवी बच्चों से ज्यादा कीमती नहीं है ये हीरे। गाँव जाना है ना? हाँ तो बस इन्हें मार्कस को देके अपने बेगुनाही के सबूत लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे सबको खरीदने वाला आइडिया बेटर है बॉस, वरना वो हीरे भी ले लेगा, सबको मार देगा और सबूत भी नहीं छोड़ेगा। तो चुप कर, चुप कर तू, मुंह बंद कर अपना। अरे मेरी बात सुनो यार, बॉस बॉस, अरे मेरी बात तो सुनो। अरे चुप चुप चुप। यश तो ठीक कह रहा था, मार्कस का कोई भरोसा नहीं है। तो करे क्या, पुलिस के पास तुम जा ही नहीं सकते, वो तो देखते ही गोली मार देंगे। पुलिस की मदद मिल सकती है, एक रास्ता है। और कुछ चाहिए बेटा? मम्मी बलून नहीं दिलाती। अंकल दिलाएंगे। अंकल क्यों? थोड़ा ज्यादा लेना। बचपन में मेरी छोटी से छोटी जिद पूरी करने के लिए आप डैडी से लड़ जाया करती थी, और आज जब मेरी जिंदगी का सवाल है आप डैडी को मना नहीं सकते। ये लो तुम्हारी कैंडी, और ये लो आपके बलून। पर यार बच्ची फट जाए ना तो माँ तो अपने आप फट जाए। अरे तुमने ही कहा था ज्यादा बलून लाने को। अरे इतना की बच्ची उड़ जाए। अरे देखना क्या हो रहा है, बाप रे, ओ माय गॉड, संजना दीदी को ही तो बचाओ। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, एवरीबॉडी से नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एवरीबॉडी से नो प्रॉब्लम। मेरे को मम्मी, क्या कर रहे हो? मेरी बच्ची को मार रहे हो? अरे बचा रहा हूं, मार नहीं रहा हूं। अच्छा ब्लू ब्लू येलो। तुम्हारा निशान तो बहुत अच्छा है। ये भी आज ही पता चला। थैंक गॉड, कितना डर गई थी मामा। पता है ये बलून आपको किसने दिए? हमारे साथ खेल रही थी। किसने दिए बलून तुझे? बताओ बेटा किसने दिए? लगता बच्ची शौक के मारे बोल नहीं पा रही। मेरे ख्याल से इस वक्त इतने सवाल करना ठीक नहीं रहे। थैंक यू राज, आज अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ उड़ गई होती। थैंक यू। तुम लोगों ने मेरी बच्ची की जान बचाई, इसलिए मैं पुरानी बातों पर मिट्टी डालता हूँ। दीदी लेकिन डैडी का एक्सीडेंट किसने किया? किसी दुश्मन ने। वो गाड़ी चलाने वाला कमीन अब तक मिला नहीं, लेकिन तेरे जीजा जी और पुलिस ढूंढ रहे हैं उसे। तुझे पता है संजू, हमला तो जानलेवा था। अरे ये बच गए, ये क्या कम है? इन्हें चोट कम और शॉक ज्यादा लगा बस। डैडी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ लेकिन बोल नहीं पा रहे। हाँ तो लिखवा ले। ये क्या मर रहे हैं जो वसीयत लिखवा लें? दीदी डैडी चीजों की तरफ क्यों इशारा कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मैं इन लोग की मदद करूँ। लो ये हेल्प करेंगे। सिस्टर give him a strong dose of 500 cc injection and put him to sleep. Daddy, please cooperate. Please take the injection. अब मेरा प्लान सुनो।
इस पेन के अंदर ट्रांसमीटर है। इस बार मैं एक तीर से तीन शिकार करूंगा। तुम्हें डायमंड्स भी नहीं देने दूंगा। मार्कस से तुम्हारी बेगुनाही का सबूत भी लूंगा और फिर उसे अरेस्ट भी करूंगा। इंस्पेक्टर साहब अब तैयार है ना? यस यस, डोंट वरी बॉयज, ऑपरेशन थ्री शिकार इज रेडी। काम डाउन। वेलकम बेबीज। तुम दोनों ही? वो तीसरा कहाँ है? वो लंबे वाला? इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इज डेंजरस, कहीं कोई प्लान हुआ तो? नहीं नहीं, कोई प्लान नहीं। हीरे कहाँ है? सुबूत? हाँ सुबूत। तुमने जो मिनिस्टर का खून किया है उसका सुबूत चाहिए ना? Come on, let's go. Come on, everybody. सर, कुत्ता तो उस तरफ जा रहा है। ऑफिसर, कुत्ता या मैं? सर, आप ही हैं सर। Then follow me. Thank you. ठहरो। बाकी के कहाँ हैं? बाकी के क्या? हीरे। यही तो है सारे? आधे हैं ये। Cut it! हम लोग फंस गए हैं। Don't worry, I'm coming. पहुंच गए हम। Hello. ये तो माइक्रोफोन है। सर यहाँ तो कोई भी नहीं है सर। देखो नायडू, देखो कितने स्टूपिड लोग हैं, गलत बिल्डिंग में घुस गए। गलत बिल्डिंग में हम लोग घुस गए सर, हमें आपको नहीं कुत्ते को फॉलो करना चाहिए था। भगवान, कहाँ लेके आई है संजू? ये कौन सी जगह है मिलने के लिए? मुझे कभी तेरी बात सुननी। अरे बहू, तुम बाहर नहीं गई? बहू, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। राज और मामा जो मार्कस के पास गए अब तक नहीं लौटे। अर्जुन भी नहीं आए। अच्छा, अर्जुन जी भी साथ गए हैं? तेरी बात नहीं होती ना संजू, तो मैं उन्हें इस डेंजरस मिशन पे कभी नहीं भेजती। फिकर नहीं करो, उन्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है? साला फोन क्यों नहीं आया अभी तक? हेलो। साले कुत्ते कमीने धोखेबाज हरामी। उन्हीं का फोन है। स्पीकर प्लीज। अरे आधा लेके जाओगे तो फंसोगे ना। तो बोलना नहीं चाहिए था कि आधे लेके जा रहा हूँ? अरे मुंह बंद कर दिया तुमने, बोलने का दिया मुझे? तुम मुझे एक बात बताओ, बाकी के हीरे छुपाए कहाँ थे? अरे यहाँ बहू और दीदी खड़ी है, अरे छुपाए थे ना कहीं। यश यश, तू प्लीज एक काम कर, जल्दी से हीरे लेके यहाँ आ जाओ, वरना ये लोग मुझे और बॉस को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन को मार दिया क्या? अरे उसी ने तो हमें मरवाया है। हमें आगे भेजकर खुद दूसरी बिल्डिंग में घुस गया। अभी तक आया नहीं वो यहाँ? अरे शर्म के मारे मुंह छुपा कर बैठा होगा कहीं पे। दीदी, हाँ? दीदी, क्या हुआ? प्लीज ठीक रहिए। मैं ठीक हूँ। ठीक रहिए आप, ठीक रहिए। हेलो, आगे बोल रहा है यार। हेलो यस। आपकी आवाज को क्या हुआ है बॉस? बॉस नहीं, ये सवाल है कि मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ बेटा। बहुत तकलीफ है बेटा, बहुत मार है तेरे बाप को इन लोगों ने। पहली बार मुझे किसी ने बेटा कह के पुकारा है। बाप की जगह अगर पप्पा को हूँ तो चलेगा? दिल से बोल रहा है बेटा। नहीं पप्पा, जुबान से बोल रहा हूँ लेकिन दिल से मानता हूँ। एक काम कर, तू हीरे लेकर जल्दी आ जा, तेरे पप्पा को गांव जाना है ना, जल्दी आ। अभी आता हूँ पप्पा, अभी आता हूँ। किया क्या मैंने? क्या किया साला? सर पे सारा सामान गिरा के पूछ रहा है किया क्या? खोपड़ी खाली कर दिया मैंने। चुप। क्या कर रहा है? चेन है, धागा नहीं है। चेन है। ये बताओ, चाबी कहाँ है? चाबी? सोफिया के पास। हाँ? सोफिया के पास। सोफिया?
क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? चेन काट रहा हूँ, कुल्हाड़ी से कटेगी ना। पहली बार काट रहा है? हाँ बेटा, प्रैक्टिस तो कर, प्रैक्टिस कर बेटा। मार बेटा। बेटा रहने दे, जिंदगी भर बंधे रहना अच्छा है, बिना हाथ के बाहर घूमना अच्छा नहीं, रहने दे बेटा। पापा रहने दे, दो तीन बार और प्रैक्टिस कर लेता हूँ। नहीं बेटा, नहीं 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 बेटा, नहीं 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 देखो क्या हुआ सोफी को, कम ऑन। अरे अरे कहाँ जा रहे हो बेटा, कहाँ जा रहे हो बेटे? आ रहा हूँ पापा, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। चाबी पापा, चाबी निकाल के आ रहा हूँ। तो बेटे पापा चाबी निकाल ले जाना, चाबी निकाल ले जाना। गड़बड़ है कुछ? सोफी कहाँ, सोफी कहाँ? बॉस सोफी को तो लंबू ले गया। ले गया? वो तो पापा को छुड़ाने आया था, पापा को छोड़ के पाप को ले गए। देखा, उसने आपको नहीं हमको भी धोखा दिया है। दबाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जब तक ये लोग पता नहीं बताते तब तक दबाते रहो। दबाओ दबाओ। हेलो, हीरे चाहिए या लड़की? ए लंबू हराम साधे, मैंने तो सोचा था तू हीरे देकर तेरे दोस्तों को छुड़ा कर ले जाएगा, लेकिन क्यों? अबे मैं हीरे देने के लिए नहीं, बाकी के हीरे लेने के लिए आया था, इसीलिए तेरी ये हीरोइन को उठा के ले आया। ए सोफी कहाँ है? क्या कहा? सोफिया को मैं मार डालूं तो भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें सिर्फ हीरो से मतलब है। क्या बोला? Marcus, you bastard! You wanna Sophie, kill me? Sophie, cool down, baby, cool down. संभालो इसे. Sophie, listen to me. सुन लिया? मेरे आदमी और हीरो को लेकर ढाबा पहुंच जाना, डील वहीं होगी। अगर चालाक बनने की कोशिश की ना तो तेरे हीरो को पीस कर आटा बना दूंगा, उसकी रोटी बनाकर तू खा लेना विदाउट सब्जी। यस बॉस। अपने सारे आदमियों को जमा कर लो। लेकिन बॉस, उस हरामखोर की बताई हुई जगह पर जाने में खतरा हो सकता है। जानता हूं खोखा, लेकिन आज ढाबे में बैसाखी का बहुत बड़ा फेस्टिवल है, क्या बात, सारे सरदार होंगे, हम भी वहां सरदार बनकर जाएंगे ताकि वो हमें पहचान न सके। सरदार चेचे, मैं दीदी और सोफिया सरदार कैसे बनेंगे? अरे तुम्हें जो गेटअप करना है कर लेना, सरदार मैं बनूंगा, लेकिन ऐसा गेटअप करना कि मार्कोस तुम्हें नहीं पहचान पाए। पापा जी, पापा जी, आप मुझे एक लास्ट चांस दे दो, आज मैं आपकी आंखों के सामने एक तीर से पांच शिकार करूंगा। मार्कस उसके चार साथी है ना, अरे आप टेंशन मत लो, आप टेंशन मत लो, आज मुझे जो आइडिया आया ना वो किसको आ ही नहीं सकता, हम दोनों सरदार बन के जाएंगे।
पंजाबी मस्त पंजाबी। ये यहाँ क्या कर रहे? पंजाबी मस्त पंजाबी। चीची ये कौन है? मौत का फरिश्ता। ये जहाँ भी होता है मौत आसपास ही होती है। हाँ भाई, आखिरी लस्सी बिला दो यार। चीची आखिरी लस्सी मांग रहा है। और रांझिया ला भी मक्खन शक्कन पागे लस्सी वस्सी प्या बाबा। ओए भूतनी के, अबे सिर्फ लस्सी बोला ये वस्सी क्या होता? अबे मटन चटन मुर्गा चुर्गा चाय शाय परांठे सरांठे साले गिनाते दो खिलाते एको। ओए कंजरा, अपनी ये बकवास बंद कर दे, नहीं तो वाहेगुरु जी दिसो तेनु इत्थे जानो मार दांगा मैं। बोलते क्या हो पाजी, मार दे साले। अबे तुम क्या मारोगे? मौत तो मार नहीं पा रही, लेकिन बेटा इस बार इंतजाम बड़ा पक्का। क्या, मैं तो मरूंगा ही, साथ साथ मेरे तुम सारे मरोगे। मौत एकदम आस पास ही है। अबे इधर उधर क्या देख रहे हो? ऊपर से आ रही है, छत के सारे नट बोल्ट खोल दिए हैं। मौत तो फिर रोक लिया तुम लोगों ने, लेकिन बिटवा ज्यादा देर नहीं रोक पाओगे। अबे चुप, तुझे बनने के लिए वही जगह मिलती है जहाँ हम लोग होते, और मैं कहूँ कैसे जाऊंगा? और आज मैं मर गया। ऐसा मत कहो पप्पा, अभी तक तेरा ये बेटा जिंदा है। बेटा? तेरी माँ का मैं कुछ नहीं लगता हूँ? तू पप्पा को बचाने आया था कि लड़की को उठाने आया था? अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मार्कोस हमारी पूरी फैमिली को मार डालता। कौन सी फैमिली? आप मेरे पप्पा हो, वो दोस्त नहीं मेरा छोटा भाई है। अरे मर गया तेरा भाई कमीने, करोड़ों के हीरे की लालच में आके बोल दिया कि हमें मार दो। रख तेरे हीरे तेरे पास। नहीं राज, चेची ने ऐसा नहीं कहा। She's right. मारना तो मार्कोस मुझे चाहता था उन हीरो के लिए। नहीं सोफी, ये कमीना तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा था ना, इसलिए मैंने इसके आदमियों को इसके खिलाफ भड़का दिया। मेरे पास जो आधे हीरे हैं वो करोड़ों के, लेकिन तुमसे ज्यादा कीमती नहीं है। करोड़ों के हीरे इनके पास हैं। नहीं नहीं मन्ना गंज ना भाई, हीरे निकाल। मेरे पास आया ना तो जान से मार दूंगा। अबे जान से तब मारेगा ना जब हाथ तेरे फ्री होंगे। चल निकाल। ए, ए, बॉस, पीछे की पॉकेट में हाथ डालने मत देना। थैंक यू। एक मिनट। बड़ी कमीनी चीज होती है रुपया। ये आगे बढ़ेगा ना तो एक लात मारूंगा, 10 फीट दूर करेगा, समझा? एक मैं तो दूर चला जाऊंगा, लेकिन ये छत तेरे ऊपर गिर जाएगी बेटा। थैंक यू। ओ पाजी, केयर के रखो एनो। ओ पाजी आप टेंशन मत लो, ओ हम हैं इसे पकड़ने के लिए। तुम जो मालूम है आता हूँ, मैं पकड़ता हूँ, तुम जाओ। ये सवाल से
वरना असी मर जावांगे। ओ अम्बा आए तो हम भी मर जाएंगे। ओए सरदार कभी मौत से डरते क्या? ओए बात तो ये सही कह रहा है। जो बोले सोनिया। बाबूजी अब लड़की कैसे? चुप! जोश में नहीं, होश में काम करो। अबे गधे, मुझे बचा। एक सेकेंड, रिलैक्स, रिलैक्स नहीं तो दूंगा एक। मैं कैसे बॉस मिलाई? और तू भी नहीं हिल रहा। लाओ हीरे मुझे दे दो। लाओ पापा, हीरे तो अपने पास है। अबे अपने के सपने मुझे दे दो। फेंक फेंक चल फेंक फेंक फेंक। ये तो हक है। हाँ भाई मार्कोस, सुना है तुम्हारे सर पे भी बहुत बड़ा इनाम है। बॉस को नहीं बोलने का। वे बेटा पापा भाग। जी पता है बहुत दिलदार हो आप लोग, और मैं तो आपको भड़का रहा था ताकि आप लोग मुझे जान से मार दो। मैंने ये बता तू मरना क्यों चाहता है? ओ पाजी हुण जीके भी क्या करना है,
गाजा पट्टी में मेरी फैमिली को सड़क पे लेटा के टैंक चला दिया ऊपर से। फोटो थी मेरे पास। एक मिनट, तूने तो कहा था कि तेरी फैमिली अफगानिस्तान में थी। हाँ, लेकिन ये हमें तो इराक बता रहा था। तो तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी मेरी फैमिली, मेरी इंसानियत की कोई फैमिली नहीं होती क्या? अरे दुनिया में किसी भी कोने में कोई भी इंसान मारा जाए, मरती तो इंसानियत है ना भैया। सही बात, इसीलिए मर रहा हूँ। लेकिन जी सकता हूँ मैं अगर ये हीरे मुझे मिल जाए। पर तू हीरों का करेगा क्या यार? वो जाके अमेरिका को दे दूंगा कि भाई पूरी दुनिया में शांति कर दो। ठीक बात, हीरे इन्नू मिले चाहिए थे यार। सही गल है। पर बाजी हीरे है कितने? एक एक पोटली तो इनके पास है, लाल वाली। इसके बाद सोफिया कहां गायब हो गई आज तक किसी को पता नहीं चला। मार्कस और उसके साथियों को सजा हो गई 440 साल की। झंडूलाल ने गांव आकर फिर से नया बैंक खोल लिया। उसके घर एक और बच्चा भी हुआ, चाइनीज। सुपर कॉप अर्जुन सिंह को फोर्ट लुइस भेज दिया गया फिर से पुलिस ट्रेनिंग के लिए। यश और राज ने फिशिंग का बिजनेस शुरू कर लिया। उन्हें यकीन है कि एक दिन वो मछलियां उनके हाथ जरूर लगेंगी जो उनके हीरे निकल चुकी हैं। एक्शन। हाथ किसी के ना